हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रेड ताजमहल। आपने असली ताजमहल तो देखा होगा आगरा में, पर आगरा में एक और ताजमहल है जो रेड कलर का है। इस ताजमहल में जॉन विलियम हेसिंग का मकबरा है। कर्नल जॉन विलियम हेसिंग एक डच सैनिक और व्यापारी थे। वे 1820 शताब्दी के अंत में सीलोन जो श्रीलंका है वहाँ से भारत आए थे। 1665 में कैंडी की लड़ाई में भाग लिया। वह हॉलैंड में यूट्रेक्ट के मूल निवासी थे। कर्नल जॉन विलियम हेसिंग का जन्म 1739 में हुआ था। उन्होंने 1784 में हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के अधीन काम किया। बाद में वे महाजी सिंधिया की सेवा में शामिल हो गए और उनके साथ 1792 में वे पुणे चले गए। इन्होंने फ्रांसीसी जनरल डी बोर्गनी के नेतृत्व में कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1794 में महाजी की मृत्यु पर वे आगरा आए, जो मराठों के कब्जे में था। इन्हें 1799 में किले और मराठा चौकी का कमांडेंट बनाया गया था। अंग्रेजों के खिलाफ किले की रक्षा करते हुए 21 जुलाई 1803 को इनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी एन हेसिंग ने उनके लिए एक स्मारक बनाने का फैसला किया और अमर ताजमहल पर मॉडल बनाने का फैसला किया, जो आगरा में स्पष्ट रूप से प्रमुख है। लेकिन उसके पास पैसे सीमित थे और अपना काम पूरा करने के लिए उसके पास बामुश्किल 1,00,000 रुपये थे। चूँकि वह अपने प्यार के लिए संगमरमर नहीं घस सकती थी, इसलिए उसने इमारत के लिए लाल बलुआ पत्थर उपयोग करने का फैसला किया। वह चारों कोनों में चार मीनारें नहीं बनवा सकती थी, इस प्रकार उसे लाल ताज के शीर्ष कोनों पर चार गुम्बदों से संतोष करना पड़ा। लाल ताजमहल आलीशान ताज की एक छोटी लाल बलुआ पत्थर की नकल है। यह लाल ताजमहल रोमन कैथोलिक सेमिट्री में स्थित है। मकबरे के प्रवेश द्वार पर दो फारसी शिलालेख हैं, जिसमें एक शिलालेख और दूसरा कोनोग्राम है। यह मकबरा वर्गाकार चबूतरे पर खड़ा है, जो लगभग 11 फुट ऊंचा और 58 फुट चारों तरफ से है, जिसके चारों ओर असली कब्र और गलियारे के साथ एक तहखाना है। प्रत्येक कोने से एक अष्टकोणीय चबूतरा मिनी टावर के रूप में जुड़ा हुआ है। मकबरे में ऊपर जाने को दो द्वार हैं, एक पूर्व की ओर एक पश्चिम की ओर, जिसमें पश्चिम वाला द्वार बंद है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे हेसिंग का मकबरा ताजमहल की सस्ती नकल से थोड़ा अधिक है, जबकि इसकी अपनी पहचान है। वास्तुकला कुछ मामलों में समान है, लेकिन मकबरे का अंतिम विश्लेषण में ताजमहल जैसा बिल्कुल नहीं है, जो शायद ही किसी यूरोपीय वास्तुशिल्प प्रभाव को धोखा देती है। भारत में बेहतरीन यूरोपीय मकबरों में से एक माना जाता है। शैली में मकबरा पूरी तरह से मुगल है। इस तथ्य के बावजूद हेसिंग धर्म से ईसाई थे। आइए आपको अंदर से कर्नल जॉन विलियम हेसिंग का मकबरा दिखाते हैं। कर्नल जॉन विलियम हेसिंग के मकबरे पर अंग्रेजी में एक शिलालेख लिखा है, जो उनकी पूरी जीवनी को दर्शाता है।
मकबरे पर एक दोहरे गुम्बद की छत है जिसके ऊपर महापद्म कमल की पंखुड़ियों का आवरण और कलश ही कलश हैं। शिखरों और बुर्जों की छतरियों के साथ साथ एक उत्तम अधिरचना का निर्माण करता है। अग्रभाग पर सजावट सरल है, इसमें एक बड़े केंद्रीय धनुषाकार प्रवेश द्वार के चारों ओर चार मेहराब शामिल है जो ताबूत की ओर जाता है। हालांकि मकबरे में मूल स्मारक की भव्यता और भव्यता का अभाव है। ये सीढ़ियां पश्चिमी द्वार की हैं जो मकबरे के पीछे की ओर हैं, जो अब बंद है। ताजमहल और रेड ताजमहल में बस एक छोटा सा फर्क है। जहां एनी हेसिंग ने अपने पति के मकबरा बनाने के लिए अपनी पूरी पूंजी लगा दी थी और शाहजहां ने सरकारी खजाने से ताजमहल को बनवाया था। आगरा का कैथोलिक कब्रिस्तान जहाँ लाल ताज स्थित है, भारत के सबसे पुराने ईसाई कब्रिस्तानों में से एक है। इसकी अनुमति मुगल सम्राट अकबर द्वारा दी गई थी, जिसने लगभग 5 शताब्दी पहले स्थानीय कैथोलिकों के कब्रिस्तान की अनुमति दी थी। यहाँ अधिकांश कब्रें 16वीं 17वीं शताब्दी की हैं, जो सभी यूरोपीय यात्रियों की खोजकर्ताओं की है। इस कब्रिस्तान में जुर्मी नामक स्वर्णकार की कब्र जो 1640 की है, फादर फ्रांसिस कोर्सी की कब्र जो 1635 की है, फादर जोसेफ द कंसरा की है जो 1646 की कब्र है। यहीं पर जर्मन वॉल्टर रीन हट सोमरे उर्फ समरू की कब्र भी है। यह कब्रिस्तान कैथोलिकों का सबसे पुराना कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान में एक पुराना चर्च भी है। इस शिलालेख में सारे पादरियों की जानकारी भी है जो अब तक इस चर्च में पादरी रह चुके हैं, सबकी जानकारियां दी हुई हैं। यह मकबरा जनरल पेरन का मकबरा है जो कि पिरामिड की डिजाइन में बना हुआ है। अगर आप कभी आगरा आए या आगरा के निवासी हैं तो इस जगह जरूर जाएं। अगर आप इस रेड ताजमहल को देखना चाहते हैं तो आगरा के भगवान टॉकीज के ठीक पीछे ये रोमन कैथोलिक सेमेट्री मौजूद है जहाँ ये रेड ताजमहल स्थित है।